हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम बताने वाले हैं टाइम टेबल फॉर उत्तराखंड एलटी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम प्लीज टाइम टेबल हमें बताइए। तो मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं, एलटी साइंस वालों की बात हुई है, तो जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है। देखिएगा, केमिस्ट्री में हमारे टोटल 75 चैप्टर्स हैं। देखिए सिलेबस पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर प्लस एमएससी के कुछ टॉपिक्स इसमें हैं, और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों कवर कर रहे हैं। और आपको पता है केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो हमें डिटेल में तो पढ़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि आप उसको टिक, एक बार पढ़ा होगा तो टिक कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आने जरूरी है तो डिटेल में उसमें पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम लगना है। तो इसमें मैंने डेज दिए हैं, मतलब एटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में हमने अगर अगर एक एक घंटा पढ़े, एक घंटा अगर हम दें तो 6 दिन लगेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा करने में, अगर अच्छे से पढ़ना है तो। देखिएगा अब आपका हो गया, इसमें टोटल डेज हो रहे हैं, देखिए केमिस्ट्री खत्म होने में 452, 450 डेज, 15 महीने पहुंच जा रहा है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़े तो वास्तव में ये 15 महीने का है, क्योंकि ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का है। लेकिन क्योंकि हम हमने ये कोर्स जो है 4 मंथ, 4 to 5 मंथ, आपको बताया कि मार्च में पेपर होने वाले, फरवरी 20 तक हमने निपटा लेना है। ठीक है, तो वैसे तो पेपर पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें सही स्पीड से चलना पड़ेगा। तो फरवरी 15 या 20 तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए जो डेज मैंने लिखे हैं, ये साथ में टेस्ट सीरीज के भी हैं, इसमें टेस्ट सीरीज को जोड़ के 6 लिखा हुआ है। तो हम जैसे भी होगा एक्स्ट्रा एफर्ट करके सारे, मतलब आपको क्या है, 6 दिन नहीं लगेंगे, पहले ही आपका हो जाएगा, मतलब ज्यादा पढ़ाएंगे। जैसे 1 घंटे का है तो 1.5-2 घंटे या 3 घंटे का लेक्चर रहेगा उसमें, इस तरीके से आएगा। और बॉटनी का भी काफी है और जूलॉजी के टॉपिक्स कम दिख रहे हैं, बट इसके अंदर होता काफी है, आप सभी जानते हैं। तो बच्चे टाइम टेबल के लिए कह रहे थे, तो ये मैंने टाइम टेबल बता दिया है। अब बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें कितना पढ़ना है। देखिए हमें कितना पढ़ना है ये कोई मतलब तरीका नहीं है, आप 10 घंटे पढ़ लें, 12 घंटे पढ़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और कोई ऐसा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और बार बार पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा होगा, आप 10 घंटे बैठ जाइए, उसमें नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो कोशिश करें जो टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं उसको पहले कीजिए, जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उसको अभी छोड़ दीजिए। वो चीज पूछ, जो चीज आपको बिल्कुल नहीं आ रही हो मुझसे पूछिए आप, और जब उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब उसे पढ़ें, क्योंकि जो चीज नहीं आ रही उसमें टाइम आप वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि सभी बच्चे लगे हुए हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, और एक सीट के लिए काफी मेहनत आपने करनी है। तो देखिएगा आपको जब बात कर ही रहे हैं कि कितने घंटे पढ़े, तो मैं घंटे तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने जो ये डेज डिसाइड करे है ना, ये जो आपको बताया है कि इतने इतने घंटे या इतने डेज आपने पढ़ना है, तो आपने क्या करना है, आपको क्या करना है वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे इसमें 6 डेज लिखा है, तो आपको क्या करना है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया, अब उसका रिवीजन करना शुरू करना है। ठीक है, रिवीजन करना शुरू की करना है, तो रिवीजन करने के बाद आप देखेंगे, ठीक है आपने करना है रिवीजन, और रिवीजन करके देखना है कि मैंने कितनी देर में वो पढ़ लिया है, कितनी देर में मैं तैयारी कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। सबसे पहला तो ध्यान रखना है आपने रिवीजन करना है, और जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, 6 डेज की बात अगर हम कर रहे हैं, 6 डेज नहीं भी, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी करना है, तो उसमें घंटे की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है। आज मैंने एक लेक्चर पढ़ाया, उसमें अगर 10 भी टॉपिक थे, तो उस 10 टॉपिक को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, 3 बार 2 बार जितनी बार भी, कम से कम 2 बार तो आपको रिवाइज करना है, तो आपका कोर्स तो वैसे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें 6 दिन लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, हो सकता है 3 घंटे में आप कर लें, बस उसको कंटिन्यूटी में रखिए। ठीक है, रिवीजन करें, ठीक है, टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, टेस्ट सीरीज। अब जब कोई टॉपिक पढ़ लें तो ये नहीं कि मेरे टेस्ट सीरीज का इंतजार करना है, मेरे टेस्ट सीरीज पूरी चैप्टर खत्म, ये चैप्टर कंप्लीट खत्म होगा तब मिलेगा, ये चैप्टर खत्म होगा तब मिलेगा, लेकिन तब तक आप क्या है, आपके पास जो एमसीक्यूज वाली बुक्स हैं, 12th की बुक्स हैं, जो भी आपके पास हैं जहां पर टिक वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको लगाइए कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ना है मैंने पढ़ा दिया, आप क्या करेंगे, आपको रिवाइज करेंगे। जरूरी थोड़े ना कि आपको घंटे लग जाएंगे, हो सकता है 1.5 घंटे में आप पूरा कर लें। तो अब ये मत पूछेगा कितने घंटे पढ़े, घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपने 1.5 घंटे भी पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, और आपको सब कुछ समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो ये आज जो है ये टाइम टेबल मुझे बताना था, तो ये मैंने टाइम टेबल बता दी, इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लें और अपने हिसाब से देख लें, जो जो चैप्टर मैं तरीका बता रही हूँ इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, मैं आपको दे दूंगी। और उसको क्या करना, जो जो चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं अपने बैठ के वहां पर लगा दीजिए, टिक करते जाइए, जो जो आपने अच्छे से कर लिए, जो पढ़ते जा रहे हैं, जो अच्छे से समझ में आ गया टिक करते जाइए, और जो नहीं आया समझ में उसको क्रॉस कर दीजिए, ताकि उस पर फोकस करना है, वो उसके क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं। तो ये तो हमारा हो गया
अब आता है रजिस्ट्रेशन की। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन शुरू कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुए नहीं है इसलिए मैंने आज क्लास शुरू नहीं की, क्लास कल से शुरू होगी। ठीक है, कल से आने लग जाएंगे लेक्चर्स आपके पास। अब आपको करना क्या है वो मैं बता दे रही हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपीज है, ये सभी को पता है। तो जिस बच्चे को भी हमसे जुड़ना है, चाहे वो टेस्ट सीरीज लेनी है कुछ भी हो, तो रजिस्ट्रेशन फी जो उसको देनी पड़ेगी वो है 300 रुपीज। 300 रुपीज देनी पड़ेगी। ठीक है, वो आप लोग कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं, फोन पे का ऑप्शन है। ठीक है, फोन पे कर सकते हैं आप लोग, और बाकी आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप में मैं भेज दूंगी आपको नंबर। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फी है। ठीक है, फोन पे नंबर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, 8595499119, सुमन नेगी नाम से ही आएगा। ठीक है, ये तो हमारा नंबर हो गया 8859549119, सुमन नेगी नाम से है। अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फी के अलावा अगर टेस्ट सीरीज भी लेनी है जिसमें 5000 क्वेश्चन मिलेंगे तो उसका चार्ज है 1200, वो मैंने बताया हुआ था टेस्ट सीरीज का। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना है तो 3600 3600 फीस है, और अगर कंप्लीटली तीनों लेक्चर्स आपने लेने हैं बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तो 7500 है, मतलब 7500 फीस रहेगी इसकी। और कंबाइंड सारी चीजें लेनी है तो 9000 है, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यूट्यूब पे ही चलेगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड तो मैंने बता दिया तभी चलेगा जब आपका रिस्पांस सही मिलेगा इसमें। तो चलिए आज का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर है वो शुरू कर रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है, एक चीज और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फीस पेमेंट कर दीजिए। अदरवाइज क्या होगा ना, कोई फायदा नहीं है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं फिर उन्हीं को लेक्चर मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज है, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जब हमारा पैसा खर्च होता है ना मेहनत भी हम तभी करते हैं। मेरी स्टूडेंट्स ने किसी ने बोला कि दीदी जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना उसकी हम कद्र नहीं करते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर हैं, आप वहां से भी तो पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ रहे, आप हमसे जुड़ना चाह रहे, कोई रीजन है? तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि जहाँ आपका पैसा लगता है, जहाँ आपका मेहनत पैसा लगता है वहां आप पढ़ाई करते हैं, टेंशन नहीं, सही मजबूरी में आप पढ़ेंगे, है ना। और इसके अलावा मैंने बताया है कि कंप्लीट हो जाने के बाद, कोर्स सुनाने के बाद बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का एक कंबाइंड टेस्ट होगा LTK जैसा, जैसे LT में पेपर आता है 100 मार्क्स का, उसमें जो फर्स्ट रैंकर रहेगा उसके फीस पूरी की पूरी रिटर्न हो जाएगी। तो उतने काबिल बनो कि फर्स्ट रैंक लाके फीस अपनी रिटर्न करवा लूं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज रजिस्ट्रेशन कर लें और फीस सबमिट कर दें, ताकि हम कल से सभी उन बच्चों के लिए अलग से ग्रुप बना देंगे जो फी पढ़ लेंगे, और उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक्टिव रहे। मैं क्वेश्चन बीच बीच में भेजते रहूंगी, आप लोग उसको सॉल्व करके भेजेंगे ताकि सभी मतलब एक्टिव रहे। अब कल से ग्रुप हमारा ना एक्टिव हो जाएगा, अभी तक सोया हुआ मोड में था, कल से देखिएगा ग्रुप एक्टिव हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें डिस्कशन उसमें होंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जिसको आगे को कंटिन्यू करना है वो फी पेमेंट कर दें, और व्हाट्सएप में मुझे जरूर बता दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर हम बात करें LT के जो सबसे पहला वाला और इम्पोर्टेंट है, 100 में से 30 मार्क्स का हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी में आप जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड को हम क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को हम कहते हैं शैक्षिक अभिरुचि। ठीक है, शैक्षिक अभिरुचि ये 100 में से 30 मार्क्स का हमारा रहेगा। तो सोचिए 100 में से अगर 30 मार्क्स का रह रहा है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कम से कम है तो 25 मिनिमम तब भी ले आएंगे। अगर मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप लोगों को क्या करना है, वैसे वैसे इसको पढ़ ले जाना है। मैं जितने भी हमारे शायद 24-25 टॉपिक्स हमारे टोटल हैं, तो सारे टॉपिक्स को एक एक करके क्लियर करूंगी, अच्छे से इसके क्वेश्चन भी बताऊंगी, टिक वाले क्वेश्चन भी बताऊंगी, आप लोग करेंगे भी, तो एक एक करके हम इस टॉपिक को कब पढ़ रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि ये सीरीज जो 25 इसमें टॉपिक्स हैं वो सारे मैं अच्छे से कवर करूंगी, क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर इसे कीजिए। और अगर वीडियो अगर आप लोगों का व्यूज और सब कुछ अच्छा रहा कि मतलब हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और नीड भी है और व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, तो फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। अदरवाइज आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, 12th वाले बच्चों का अभी मेन है, बट ठीक है, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी करें, तो हम इससे स्टार्ट करें। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर इसकी शेयरिंग ज्यादा हुई वीडियोज की यूट्यूब
इसकी, ठीक है, वीडियोस की ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग हुई, स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा वीडियो से देखेंगे, और तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और सारे के सारे टॉपिक्स फिर मैं पढ़ाऊंगी। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। चलिए जो भी है मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर ली, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम आगे को करेंगे कि पूरे पूरे टॉपिक करें या ना करें, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं बी एड के सिलेबस की, अगर बात करें तो 30 मार्क्स का हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो सभी किसी भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है अभी एलटी के लिए जो तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको 30 मार्क्स का तो कवर करना ही पड़ेगा। और 30 मार्क्स में हमारे 25 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आ सकता है, ठीक है, कुछ और भी रहेंगे लेकिन मैं इसमें इंक्लूड करूंगी, उनको सारी चीजें कवर करेंगे। देखिए केवल टीचिंग एप्टीट्यूड में इतने सारे सब्जेक्ट नहीं होते, केवल इतने ही चैप्टर नहीं होते, बहुत कुछ होता है इसमें, लेकिन वो ये है कि इसमें शो नहीं किया है, बट हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब शब्द आया अभिवृत्ति, जिसे हम मनोवृत्ति भी कहते हैं, कुछ जो दार्शनिक है इनको अलग अलग भी मानते हैं, वैसे अभिवृत्ति को ही हम मनोवृत्ति कहते हैं, ठीक है, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा। देखिए अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, अभि मतलब जैसे अभिमान बोलते हैं, अभि मतलब अपने लिए, ठीक है, ठीक है, अपने लिए, और वृत्ति का मतलब होता है अपने लिए इच्छा, मतलब अपने आप की इच्छा, ऐसे समझिए, अभी मतलब अपना और वृत्ति मतलब इच्छा, अपनी क्षमता, अपनी इच्छा, ठीक है। तो वैसे ही सेम ये है मनोवृत्ति, मन की इच्छा, वृत्ति मतलब इच्छा, ठीक है। अगर ये मैं जनरल वे में बता रही हूँ, ये प्रॉपर शाब्दिक शब्द नहीं है, ताकि आप समझ लें मेरी इच्छा, ठीक है। अभिवृत्ति शब्द आएगा तो आप समझ लेना, अगर कहेंगे कि पूजा की अभिवृत्ति, तो पूजा की इच्छा, पूजा के अंदर क्या है, तो वो सब चीजें आ जाएंगी। तो अभिवृत्ति जो है एक गुण होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का एक गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। यही मैंने बोला ना, पूजा की इच्छा, उसकी इच्छा क्या है, उस चीज को चाहती है नहीं चाहती, पसंद नापसंद को दर्शाता है। अभिवृत्ति को आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा मतलब जब भी हम दार्शनिक उसमें लिखते हैं तो इंग्लिश नहीं लिखते, वहां पर आंग्ल लिखा जाता है अंग्रेजी को, ठीक है। तो आंग्ल भाषा में ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभिवृत्ति इंग्लिश में अगर देखें तो एटीट्यूड, हम क्या बोलते हैं इसे, एटीट्यूड है, एटीट्यूड मतलब घमंड, कोई एक पर्टिकुलर गुण को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे जनरल वे में देखा जाए तो हम एटीट्यूड ज्यादा तक यूज करते हैं जब कोई नेगेटिव सेंस होता है, बट एटीट्यूड पॉजिटिव सेंस के लिए भी यूज किया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। अब आज तक आप लोगों ने कहा होगा जनरल वे में हम बोलते हैं इसको एटीट्यूड है, ये सही नहीं है तरीका, ठीक है। एटीट्यूड पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल तीनों होता है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एटीट्यूड अभिवृत्ति है, ठीक है, मन की इच्छा मैंने बोला, और एटीट्यूड शब्द कहां से आया, लैटिन भाषा के, ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के शब्द, ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द एप्टस, ABTUS, एप्टस से बना है, ठीक है। ये शब्द याद रखिएगा, लैटिन भाषा का एप्टस, और इसका मतलब होता है योग्यता, ठीक है, एप्टस का मतलब होता है योग्यता। तो क्या कहता है ये, यह एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है, ठीक है। अभी मैंने बोला था अभिवृत्ति को मनोवृत्ति भी कहते हैं, मतलब मन की जो इच्छा है, मानसिक दशा वही है, मन की जो इच्छा है, मन जो हमारा कह रहा है, मन की दशा मतलब हमारा मन जो कह रहा है, तो उसको सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है। एक समाज में हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो हमारी मन की इच्छा है, हमारी इच्छा है, ठीक है, वही कह रहा है। इसके जो दार्शनिक भाषा में कहें तो शब्दावली थोड़ी क्लिष्ट होती है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा आसानी से समझ जा रही हूँ कि आपकी जो मन की इच्छा है, मन की जो दशा है, उसको आप समाज में जो व्यवहार करके प्रदर्शित कर रहे हैं वही हमारी अभिवृत्ति होती है, ठीक है। अभिवृत्ति को ही कभी कभी मनोवृत्ति के नाम से भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये दोनों ही शब्द एक ही भावनात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मनोवृत्ति मन की इच्छा, अभिवृत्ति मेरी इच्छा, एक ही चीज है, मेरी इच्छा, मेरी मन की इच्छा, ठीक है। अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभावों, मनोभाव फीलिंग्स, जब बात आएगी मेरी इच्छा तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। मेरी इच्छा, जब मेरी इच्छा होती है, आप अपने आप को सोचिए आपकी क्या क्या इच्छा है, खाने की इच्छा है, गुस्सा करने की इच्छा है, दुखी होने की इच्छा है, किसी पर भरोसा करने की इच्छा है, ठीक है, किसी को मारने की इच्छा है, तो ये सारी चीजें जो है वो मेरी है, मेरी, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम बात आएंगे मेरी की, मेरी इच्छा की, तो अभिवृत्ति आ जाएगा। तो वो कह रहा है अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभाव, जो फीलिंग्स होती हैं या बिलीव है, उसको भी प्रदर्शित करती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित करती है, ये बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। जैसे कि क्या होगा, कैसे पता चलेगा, अभिवृत्ति मेरी है, अभी सोचिए मेरी नेगेटिव चल रही है, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं गुस्सा कर रही हूँ तो किस सबको दिख रहा है, तो मैं क्या महसूस कर रही हूँ पता चल जा रहा है मेरी अभिवृत्ति से, ठीक है, मैंने जो एक्शन लिया, या उसके पूर्व विश्वास क्या है। अभिवृत्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है जिसके कारण वह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु है, ठीक है, मेरे पास कॉपी मिली, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पढ़ने की इच्छा है, मेरी दोस्त है,
उसको कॉपी मिली, नहीं पढ़ रही है, उसकी इच्छा नहीं है, अभिवृत्ति उसकी इच्छा, उसका नेचर एक प्रकार से सूझ ली। ठीक है, व्यक्ति की बात करते हैं। मेरी पूजा से अच्छी दोस्ती है, हो सकती है, हो सकता है मेरा सरिता से अच्छी दोस्ती ना हो, ठीक है, वो मेरी इच्छा है या मेरा नेचर है, मेरी अभिवृत्ति है। ऐसे संस्थाओं की बात करें, परिस्थितियां क्या है, किस परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी कैसी योजनाएं आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं अभिवृत्ति के ही अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब अभिवृत्ति ओवरऑल हमारी सारी चीजों को बता देता है। अभिवृत्ति का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव दोनों से है। यह एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति को, यह मैंने पहले भी बताया था, प्रस्तुत करती है। अभिवृत्ति को ही मनोवृत्ति भी कहते हैं, यह हमने पढ़ लिया है। एक चित्र देखिए, मैं आपको बस एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक चित्र देखिए, ठीक है, इस चित्र में, ठीक है, ये जो ऊपर बच्चा दिख रहा है, ये वाला चित्र देखिए सबसे पहले। ठीक है, इस चित्र में देखिए क्या दिख रहा है आपको। इस चित्र में ये बच्चा है, ये कैसा दिख रहा है आपको? आपने इस बच्चे की फोटो देखी, इस बच्चे के मतलब ये सोच रहा है, कुछ खाने के बारे में भी सोच रहा है, उसके बारे में, पैसे के बारे में भी सोच रहा है, उसका दिल भी टूटा हुआ है देखिए यहाँ पर। ठीक है, इम्पॉसिबल, आई कांट, ओ नो, मतलब ये सारी चीजें क्या है, नेगेटिव चीजों को बता रहे हैं। लेकिन देखिए, आपने केवल ये चित्र देख के और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बच्चे का एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, उसको देखते ही आप समझ गए ये कुछ उदास है या ये निराश है। ठीक है, ये डिसअपॉइंट हो रहा है बहुत ज्यादा, ये नेगेटिव हो रहा है। तो आपने देखते ही उसकी अभिवृत्ति आपने महसूस कर ली, उसके अंदर क्या चल रहा है, तो यही चीज तो है। ठीक है, तो यही है अभिवृत्ति कि उसका उसका उसकी कैसी इच्छा हो रही है। तो वो देखिए उसका मुंह देख के ही पता चल रहा है, वो बहुत नेगेटिव सेंस में चल रहा है। हम कहते हैं ना, किसी को देख के ही हम पता लगा लेते हैं कि उसकी इच्छा क्या हो रही है, उसकी अभिवृत्ति क्या होगी। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, नीचे चित्र देखिए, इन चित्र में क्या दिख रहा है, ये लड़की दिख रही है, इसको देख के ही आपने बता दिया इसको गुस्सा आ रहा है, इसकी अभिवृत्ति कैसी है, गुस्सेल प्रवृत्ति की दिख रही है लड़की। ये देखो, इसको देख के क्या लग रहा है, बड़ी टेंशन में है। ठीक है, ये भी इसका एक नेचर, इसका एक व्यवहार है, इसकी एक इसके अंदर से, मतलब इसको ये प्रॉब्लम है या जो भी है, ये शो कर रही है, बाहर प्रदर्शित कर रही है, यही इसकी अभिवृत्ति है। इस समय इसका इच्छा जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर से टेंशन लेने वाली इच्छा है। ठीक है, वो टेंशन ले रही है इस समय। ये बच्ची देखिएगा, ये लड़की दिख रही है आपको, ये भी कुछ ऐसे आपको देख के अंदाजा हो गया कि ये कुछ सोच में डूबी हुई है और कुछ टेंशन इसे है। इसके अलावा आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, फेसबुक पे यूज करते हैं इमोजीज, तो ये इमोजी आप कंडीशन के अकॉर्डिंग भेजते हैं, भेजते हैं कि नहीं भेजते व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स, जैसे रोना होता है आपने ये भेज दिया। ठीक है, आपको गुस्सा दिखाना होता है किसी को, लिखते नहीं है आप, केवल आपने ये भेज दिया और वो सामने वाला समझ जाएगा इसको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जब आप कभी शॉक्ड होते हैं तो आप इसको भेज देते हैं इस इमोजी को, और दुखी होते हैं तो आप इसको भेज रहे हैं। तो देखिए, सामने वाला केवल उस इमोजी से पहचान लिया कि आपकी इस समय अभिवृत्ति क्या है, आपकी अभी जो एटीट्यूड है वो कैसा है, खुशी का एटीट्यूड है, रोने का एटीट्यूड है, गुस्से का एटीट्यूड है, आपकी अभिवृत्ति कैसी हो रही, केवल इनको देख के। तो कहीं ना कहीं जो आपकी अभिवृत्ति होती है वो आपके व्यवहार में, आपके जो भी आप काम करते हैं उसमें झलकती है। ये लड़की देखिए, इसको अगर मैं टिक करूं ये वाली बच्ची को, तो मैं बताऊं उसका एटीट्यूड कैसा है, तो आप कहोगे इसका एटीट्यूड बहुत गुस्सेल वाला लग रहा है, मतलब ये क्रोध में है अभी। ठीक है, इसको आप अगर देखोगे तो ये क्या है, बहुत चिड़चिड़ी सी हुई है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन देख के ही, तो कभी कहीं ना कहीं जो अभिवृत्ति जो होती है हमारे अंदर, जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे व्यवहार में नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रही थी। अगर हमारे यहाँ पर 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, तो सब एक से तो नहीं होंगे ना, कोई शांत स्वभाव का हो सकता है। ठीक है, लेकिन वही बच्चा, उसको भूख ज्यादा लगती होगी, वो भी उसकी अभिवृत्ति, खाना खाना भी उसकी अभिवृत्ति है। किसी को कम भूख लगती होगी, कोई पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, किसी को देर में समझ में आता होगा, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होगा। तो हमारी जो कुछ भी हमारे अंदर है, मैं तो सीधे बोलूं कि वो अभिवृत्ति में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अभिवृत्ति की परिभाषा। देखिए, अभिवृत्ति की जो परिभाषा मैं बता रही हूँ ये प्रॉपर रहती है, जो किसी भी साइंटिस्ट, जो भी किसी भी दार्शनिक ने दी है, ठीक है, फिलोसोफर ने दी है, वो है, मे बी ये कभी आ जाता है कि यह कथन किसका है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो ये वाला नहीं है, जैसे बुद्धि का और जो आगे को हम पढ़ेंगे उनकी इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। देखिए, साइंटिस्ट, सॉरी, दार्शनिक थे, केमिस्ट्री वाली हूँ, साइंटिस्ट आ रहा है बार बार, रेमर्स, समेल और गेज ने क्या कहा, ये क्या कहते हैं अभिवृत्ति को, ये कहते हैं अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित व संवेगात्मक प्रवृत्ति है। ये कह रहा है कि अनुभवों के द्वारा हमें अलग अलग अनुभव मिले, उसके द्वारा हमारे क्या है, संवेग, संवेग कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं हैं उसमें झलकता है। ठीक है, भावनाओं को ही संवेग बोलेंगे हम, जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। इन्होंने जो परिभाषा को दिया, उन्होंने बोला कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसने क्या हुआ, उसको बहुत सारे अनुभव हुए, एक बच्चा था, ठीक है, ये सोचिए, ये बच्चा है, इस मान लीजिए आग के पास गया, ठीक है, इसका हाथ जल गया, जला, तो इसने क्या अर्जित किया, इसको अनुभव हुआ कि आग के पास जाने से इसका हाथ बर्न हो सकता है, जल सकता है, तो ये इसका अनुभव है,
तो इससे क्या हुआ, इसको पता है इसको संवेगात्मक प्रवृत्ति क्या हुई, इसको जब ये इसका हाथ जला तो इसको क्या हुआ, पेन हुआ। तो पेन हुआ तो उसकी एक अभिवृत्ति क्या बन जाएगी, वो नेक्स्ट टाइम इस आग के पास नहीं जाएगा। तो ये भी तो अभिवृत्ति है ना, तो अनुभव द्वारा भी अर्जित की गई है अभिवृत्ति। अनुभव मिले, नेगेटिव अनुभव मिले, उसके बाद उसके संवेग में परिवर्तन हुआ। संवेग मतलब उसको क्या भाव हुआ, उसको पेन हुआ, उसे दुख हुआ, तो उसके उसका एक अभिवृत्ति बन गई कि अब आग के पास नहीं जाना है। तो ये क्या कहते हैं, ये वाले साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो अभिवृत्ति है वो अनुभवों के द्वारा संवेगात्मक प्रवृत्ति होती है, जो क्या होती है किसी पदार्थ या वस्तु के प्रति वो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्स्टन। थर्स्टन बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है, बहुत सारी चीजें अभी बुद्धि में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो थर्स्टन कहते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। तो ये कहता है कोई मनोवैज्ञानिक चीजें हैं जिससे हम क्या होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव बिहेव शो करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट हमको पड़ रहा है या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसी को जो भी हमारी अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी चीज से, किसी भी पदार्थ से, वो कोई गुण हो सकता है। जैसे मैंने कहा हाथ जल गया, उससे हमें क्या हुआ, दुख हुआ, तो हमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, तो उससे क्या हुआ, या फिर हम क्या कहते हैं किसी ने हमें धोखा दिया, या कोई हमारा पक्का दोस्त है उस वो क्या है हमसे प्रेम करता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव हम पर इफेक्ट पड़ा, तो वो भी क्या है, अभिवृत्ति ही है। नेक्स्ट है प्रोफेसर एस के दुबे, ये कहते हैं कि अभिवृत्ति बाह्य व्यवहार का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये कहता है बाह्य व्यवहार का है, जो हमारी बाह्य व्यवहार में झलकता है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति कि किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ के प्रति अनुकूल तथा प्रतिकूल भावना को प्रदर्शित करता है। ये कहता है ये हमारे बाहर का व्यवहार है। जैसे क्या हुआ, मैंने बोला वो बच्चा है, उसने आग को देखा तो उसके बाद वो क्या हुआ, प्रतिकूल व्यवहार करेगा, वो जाएगा ही नहीं उसके पास, तो उसके अभिवृत्ति बन गई, उसको हो गया कि बस वहां पर मैं जल जाऊंगा इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। या फिर क्या होता है, हमारे कोई घनिष्ठ मित्र है, वो हर एक चीज हमसे शेयर कर रही है, हर चीज मतलब हर चीज में हमारे साथ दे रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा क्या रहता है, एक पॉजिटिव सेंस रहता है, एक पॉजिटिव अभिवृत्ति रहती है, धनात्मक अभिवृत्ति रहती है। या हम किसी के क्या होता है, कोई बड़ा हमारे लिए आदर्श होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक कोई आदर्श है हमारे लिए, तो हम उसके लिए कैसा व्यवहार शो करते हैं, हम शो करते हैं हम इसकी तरह बने हैं, या ये क्या है उसकी तरह बने, या कैसे उसकी तरह, जैसे आजकल क्या है, सौरभ जोशी बहुत ज्यादा छाया हुआ है, सारे के सारे बच्चे जो है सोचते हैं हम भी ब्लॉगर बने, तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, उसने आपको क्या किया, आपको अट्रैक्ट किया या आपकी अभिवृत्ति को चेंज किया। पहले आप यूट्यूब ब्लॉग बनाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसको देख के आपका क्या हुआ, थोड़ा सा सेंस चेंज हो गया कि हमें उसकी तरह बनना है। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक ऐसा कारक भी है जो हमारे व्यवहार में चेंज लाता है, ठीक है। तो अभिवृत्ति मतलब मैं तो कहूंगी कि अभिवृत्ति सब कुछ है हमारे अंदर, जो है हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जो भी हमारे हम सोच रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम दुख या भावनाओं को, जो भी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, सभी अभिवृत्ति में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं, कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या गुण होते हैं अभिवृत्ति में, क्या क्या उसकी क्या क्या क्वालिटी है, एक प्रकार से कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अभिवृत्ति, हम कह सकते हैं एप्टीट्यूड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, सॉरी एप्टीट्यूड नहीं, एटीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये स्थाई होता है, ठीक है, स्थाई के सेंस में, किस सेंस में स्थाई कह रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे सोचिए कि दो बच्चे हैं, ये बचपन से ही शांत स्वभाव की है, और ये बच्ची जो है ये बचपन से ही बहुत गुस्से वाली है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये शांत वाली जैसे अभी थी, ठीक है, 15 इयर्स में, ये शायद 25 इयर्स में देखोगे तब भी लगभग ऐसी रहेगी, और 45 में देखोगे लगभग ऐसी रहेगी। अब इसका नेचर गुस्से वाला हो गया, वो बढ़ते ही जाता है, आपको पता है, ये 25 में भी जाएगी लगभग इसको रहेगा ही गुस्सा, और 45 में भी जाएगी तो इसका गुस्सा वैसे ही रहेगा, मतलब इसका क्रोध जो है वो वही रहेगा। तो ये कहता है जो हमारा अभिवृत्ति हो जाए, जो हमारा नेचर होता है, मैं अपनी बात करती हूँ, आपकी बात करती हूँ, आप अपने में खुद को सोचिए, आपने सोचा कि मैं उसकी तरह बनूं, क्या आप बन गए किसी की तरह, नहीं बन गए, क्योंकि आप अपने में स्पेसिफिक हैं, आपका वो नेचर है, आप नहीं बदल सकते। मैं कितनी बार सोचती हूँ मैं कम बोलूंगी, लेकिन थोड़ी देर जब तक मेरे दिमाग में रहता है कम बोलना है, तब तक तो मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दिमाग से निकल जाते हैं तो फिर मेरा नेचर हुई, क्योंकि वो मेरी अभिवृत्ति है, वो मेरा स्थायित्व है, वो मैं वैसी ही हूँ, वो नहीं बदल सकता। समझ में आ गया स्थायित्व क्या कह रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट कह रहा है परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील में क्या कह रहा है, देखिए अब परिवर्तनशील में क्या ये कह रहा है, आप हो गया, अभी आपने बोला था स्थाई, अब बोल रहे हैं परिवर्तन। अब परिवर्तनशील किस सेंस में कह रहा है, देखिए उसको पूरा मैंने एलोबरेट करूंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, आप हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, ठीक है, न्यूज़पेपर में आपने कहा
जो ये पार्टी है, जो भी पार्टी है, ठीक है, एक कोई पार्टी है, ठीक है, कोई राजनीतिक दल है, आपने न्यूज़पेपर में देखा, न्यूज में देखा, उन्होंने कहा भाई इन्होंने गरीबों को मुफ्त राशन बांटा, ठीक है, मुफ्त राशन बांटा, तो आपने आपने क्या कहा भाई ये पार्टी बहुत अच्छी है, आपकी अभिवृत्ति क्या हो गई, आपकी आपने कहा, आपके दिमाग में हो गया कि ये पार्टी बहुत अच्छी है। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इसने क्या किया, बच्चे थे, बेरोजगार बच्चे थे, उनको रोजगार नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, लाठी चार्ज करवा दिया, मान लीजिए पार्टी ने लाठी चार्ज करवा दिया। अब लाठी चार्ज करवा दिया तो वही आप जो इनकी प्रशंसा कर रहे थे, लाठी चार्ज कराया आपने, देखा बच्चों का तो खून आ रहा है भाई, वो तो डिमांड करेंगे ही भाई, जॉब में नहीं है, पढ़ाई की है तो करेंगे ही करेंगे, तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया सेंस, मतलब आपकी अभिवृत्ति उनके प्रति जो अभी तक पॉजिटिविटी थी, ठीक है, धनात्मक अभिवृत्ति थी, अभी अभी वो ऋणात्मक में बदल गई, तो क्या हुआ, परिवर्तनशील, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, ठीक है, देखिए अभिवृत्ति भी अलग अलग टाइप की ना, कुछ तो हमारे अंदर परमानेंट है, लेकिन कुछ क्या होता है जो परिस्थिति वश बदल जाती है, तो परिवर्तनशील हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कह रहा है कि भावना व संवेगों का प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, भावना और संवेगों का प्रभाव, जैसे कि क्या है, पेड़ कट रहे हैं, मुझे बड़ा, मतलब मेरे अंदर की जो भावना है, बड़ा मैं दुखी हो जाती हूँ पेड़ कटने से, तो कहीं पर अगर पेड़ कट रहे हैं तो क्या होगा, आपकी अभिवृत्ति बाहर आ रही, आप रोने लग रहे हैं, जो भी आप इमोशन शो कर रहे हैं वो आपकी अभिवृत्ति है, और इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है अभिवृत्ति में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवहार का निर्धारण, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया दो बच्चियां थी, एक लड़ी थी एक शांत थी, तो व्यवहार का निर्धारण भी करते हैं हम, दो बैठे रहेंगे, दो बच्चे बैठे होंगे आमने सामने, तीसरा उनको देख के जज कर लेगा, तो जो आप अंदर से है ना, वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में भी झलकता है, इसीलिए व्यवहार का निर्धारण भी कर सकता है अभिवृत्ति, आपके अंदर की जो अभिवृत्ति है, आपकी जो इच्छाएं हैं या आपका जो नेचर है, वो आपके व्यवहार को बताता है कि इसका व्यवहार कैसे होगा, आपको कोई भी जज कर सकता है। फिर है अनुभव के आधार पर अर्जित अभिवृत्ति, कुछ अभिवृत्ति ऐसी हैं जो अनुभव के आधार पर अर्जित की जा सकती है। देखिए अनुभव से कैसे होती है, ठीक है, अभी उस बच्चे का मैंने उदाहरण दिया था, उस बच्चे को नहीं पता था, उसमें ऐसी कोई अभिरुचि नहीं थी, अबोध था वो बच्चा, हाथ में आग जल गया, ठीक है, सॉरी आग जली हुई थी, हाथ गया उसका, हाथ जल गया, तो उसको अनुभव हुआ, उससे उसको पीड़ा हुई, तो उसके बाद उसने क्या किया, उस आग के पास जाना छोड़ दिया, तो वो भी क्या है, अनुभव से ही उसने अर्जन किया एक अभिवृत्ति, मतलब उसके अंदर आ गई कि भाई आग के पास नहीं जाना है, वो मुझे नुकसान दे, ठीक है, एक मतलब उसका वो बन गया, उसका अंदर से उसको पता चल गया कि भाई आग के पास मैं अगर जाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो ये अनुभव के आधार पर उसने अर्जित की। इसके अलावा हमारे पास कितने बार हमारे जीवन में क्या होता है, कठिनाइयां आती है, उन संघर्षों से कठिनाइयां आती हैं, तो हम धीरे धीरे सीखते हैं उन कठिनाइयों में या उन परिस्थितियों में कैसे जीवन यापन करना है, तो वो भी हमारी अभिवृत्ति ही है, ठीक है। रुचि और अरुचि की बात, कुछ चीजें हमें पसंद होती हैं, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं होती, जैसे मैंने एक उसी के लिए कहा, हम लोग एक पार्टी को कहते हैं कि अच्छी है, इस पे रुचि है, डांस करने की रुचि है, गाने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, दूसरे को पढ़ने की रुचि नहीं है, नाचने की रुचि नहीं है, उसको घूमने की रुचि है, तो वो भी अभिवृत्ति है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट विशिष्ट, अविशिष्ट जो कह रहे हैं, अभिवृत्ति विशिष्ट होती है, विशिष्ट समझ गए हो, सब किसी का स्पेसिफिक होता है, मेरा नेचर है, सोचिए मैं बोलती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, हो सकता है जो दूसरा है वो कम बोलता हो, मेरा भाई या मेरी बहन या जो भी है हमारी फैमिली में ही अगर लगाए तो क्या मेरी तरह होगा, सेम अभिवृत्ति सेम होगी, नहीं, अभिवृत्ति विशिष्ट होती है, व्यक्ति विशेष की जो अभिवृत्ति है वो विशेष होती है। अब अभिवृत्ति एक नहीं होती है, अभिवृत्ति में ढेर सारी चीजें आती है, आपके अलग अलग सेंस को देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा तो आपको अगर समझ होगी अच्छे से तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए तो हम बात कर रहे हैं अभिवृत्ति के घटक, ठीक है, डायग्रामेटिक भी दिखाया ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो, अभिवृत्ति के घटक मतलब किस चीज से मिलकर या क्या कंपोनेंट है जिसे अभिवृत्ति निर्माण होती है, मतलब कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, अभिवृत्ति किस चीज से मिलकर बनी है, क्या क्या चीजें अभिवृत्ति में आती है, तो तीन चीज है, ठीक है, ऐसे करके याद करते हैं इनको, ए बी सी, ठीक है, इंग्लिश के तीन लेटर हैं ए बी सी, इससे क्या होता है, यही कहलाते हैं अभिवृत्ति के घटक। तो ये ए बी सी क्या क्या है देखिए, तो ये एबीसी हैं, इफेक्टिव कंपोनेंट, बी फॉर बिहेवियरल कंपोनेंट और सी फॉर कॉग्निटिव कंपोनेंट, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। ये देखिए उसमें नहीं है, एबीसी याद करने का तरीका है घटक कंपोनेंट को बस, लेकिन ये आगे पीछे हैं तो ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इफेक्टिव को पहले भी लिख सकते थे, कॉग्निटिव को लास्ट में भी लिख सकते, बिहेवियर को बीच में भी, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो कॉग्निटिव की जब बात आती है, जब भी हम कॉग्निटिव की बात करते हैं, कॉग्निटिव मतलब जो, मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूँ, जो हमारे दिमाग में है वो कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक
जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है वो कॉग्निटिव है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, पेड़ के काटने की बात आती है, ठीक है, पेड़ों को काटने की बात आती है, तो मान लीजिए कोई आंदोलन चला है, ठीक है, ऐसे है पेड़, ठीक है, जैसे आप चलते हैं, क्या है वो गो ग्रीन गो क्लीन वाला चलता है, इसके अलावा क्या है आपने क्या करना है, पेड़ लगाओ आंदोलन चलता है, बहुत सारी हैं, ठीक है, पेड़ों को बचाने के आंदोलन चलते हैं, जैसे गौरा देवी ने भी चलाया था, तो उसमें क्या हुआ, उसके बारे में आपने, आपको पता है कि ये आंदोलन चल रहा है, तो आप सोच रहे हैं ये बिल्कुल, ये सोच रहा है जैसे ये किसानी है या कोई व्यक्ति है, सोचा बिल्कुल सही हो रहा है, ये जो पेड़ लगाओ आंदोलन है बिल्कुल होना चाहिए, पेड़ लगने चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है, केवल सोच रहे हैं, तो ये है संज्ञानात्मक, क्योंकि ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही है, अभी व्यवहार में नहीं आई है, बाहर नहीं निकली है, ठीक है, ये संज्ञानात्मक है, अभी दिमाग के अंदर ही है, बाहर नहीं झलकी, ठीक। अब क्या हुआ एफेक्टिव में, अब क्या हुआ, आप सोच रहे हैं सोच रहे हैं, अब क्या हुआ, आपको कहीं पेड़ कटता हुआ दिखाई दिया, जैसे इस चित्र में देखिए सेकंड वाले में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो रोने लग गई लड़की, या बाकी लोग रो रहे हैं कि पेड़ कट गया, तो उस चीज को देख के जो भी चल रहा है, जो भी सामने आपको दिखाई दे रहा है, जो आंदोलन हो रहा था, आपने सोचा कि बिल्कुल सही हो रहा है, पेड़ बचने चाहिए, लेकिन आपने पेड़ कहीं कटता हुआ देख लिया, तो आप रोने लग गए, ठीक है, तो रोने लगी आपकी भावनाएं बाहर आई, या फिर अब पेड़ लगने लग गए तो आप खुश हुए, आपने कहा ये बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो आपके जो भावों में प्रदर्शित हो रहा है वो हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट, ये आपकी अभिवृत्ति है एक प्रकार की, तो वो भावनात्मक होगी अभिवृत्ति, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या किया, बिहेवियरल मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं, आप क्या कर, पेड़ कट रहे हैं, अब आपने कुछ तो करना था, आपने क्या किया, जैसे गौरा देवी ने किया, आपने क्या किया, गौरा देवी ने क्या किया, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ की चारों ओर लिपट के खड़ी हो गई, ठीक है, तो वो उसने कार्य किया उस चीज को पूरा करने के लिए, मतलब उन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उसने पेड़ के चारों ओर लिपट के रहेगी, मतलब पेड़ को चारों ओर से कवर कर लिया, तो ये वो कार्य कर रही है जो व्यवहार में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिहेवियरल कंपोनेंट, व्यवहारात्मक कंपोनेंट, जैसे नीचे वाले चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये आदमी पेड़ काटने के लिए आ रहा है और ये आदमी क्या करे, इसको समझा रहा है ऐसा मत कर, मतलब उससे कार्य कहीं ना कहीं वो कार्य कर रहा है, वो कह रहा मत काटो पेड़ को, मत काटो, ये होगा वो होगा जो भी है, ये तो सोच रहा था, ये दुखी हो रही थी, मतलब ये बिहेवियर में दिख रहा था, ये अब काम करने लग गया, अब लोगों से कहने लग गया कि भाई पेड़ नहीं काटने, पेड़ नहीं काटने, तो ये कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है, उसके व्यवहार में दिख रहा है, तो अब समझ में आ गया होगा, ये तीन कंपोनेंट हमारे जो होते हैं अभिवृत्ति के, तीन कंपोनेंट, तीन घटक जो है, एबीसी, अफेक्टिव कॉग्निटिव बिहेवियरल, संज्ञानात्मक भावात्मक व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक वो है जो हमारे दिमाग में है, चल रहा है जो चीजें जो बाहर नहीं दिख रही है, भावात्मक वो है जो हमारे इमोशन में, दुखी होना, क्रोधित होना, ठीक है, खुश होना, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा अफेक्टिव या भावात्मक, और जो हम काम कर रहे हैं बिहेवियर में, जो हमें बाकी लोगों को भी दिख रहा है वो हो जाएगा बिहेवियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब है नेक्स्ट अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के प्रकार, ठीक है। अब अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति एक ही चीज है, वो कितने प्रकार की होती है, तो अभिवृत्ति देखिए सबने ना अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन इसका किया है, जो मेनली रहता है दो टाइप का रहता है, वैसे मैंने कहीं देखा सकारात्मक नकारात्मक के अलावा उसने विशिष्ट भी लिखी थी, सामान्य भी लिखी थी, शून्य भी लिखी थी, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो अभिवृत्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। नाम से ही लग रहा, पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, तो आज तक तो आप लोग बोलते थे इसको बड़ा एटीट्यूड है, एटीट्यूड नेगेटिव सेंस में करते, तो आपने कभी इससे कहा नहीं कि भाई बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाली है, ये नहीं कहा, बस पॉजिटिव है बोलते हैं, एटीट्यूड नहीं बोलते साथ, ठीक है। तो क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, देखिए जब हम किसी वस्तु संस्था तथा विचार के प्रति आकर्षित होते हैं तथा उससे हमारा लगाव भावात्मक रूप से होता है, हम उसे प्रति सकारात्मक व्यवहार रखते हैं, तब अपने आप को उसमें उसके अनुसार समायोजित करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार तरह की जो अभिवृत्ति होती है सकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। देखिए अभी जो हमने कंपोनेंट पढ़े थे वो सब आ गए, मतलब ये अभिवृत्ति किस किस से बनता है, पहले उसने कोई चीज को देखा, उसके दिमाग में उसने सोचा, उसके बारे में आकर्षित हुआ, आकर्षित होकर क्या हुआ, भावात्मक रूप से उसका लगाव हो गया, मतलब किसी के साथ जुड़ाव रखना, उससे प्रेम करना, वो भी तो भावात्मक है ना, तो भाव आए, ठीक है, पहले संज्ञानात्मक आ गया, उसके बारे में सोचा देखा, भावात्मक में आ गया, उसके प्रति लगाव हो गया, और लास्ट में क्या किया, उसने कार्य किया समाज के लिए, सकारात्मक कार्य, वो आ गया बिहेवियरल, तो कंपोनेंट भी पूरे हो गए। देखिए तो सकारात्मक अभिवृत्ति मतलब क्या हुआ, सॉरी ये अपोजिट हो गया, सकारात्मक अभिवृत्ति मतलब किसी को देखा हमने, उसके बारे में विचार किया और वो हमें अच्छा लगा, तो हमने क्या किया, उसकी ओर को आकर्षित हो रहे हैं, तो हमारी पॉजिटिव, एक प्रकार से पॉजिटिव सोच हमारी डेवलप हो गई, कि हमने कहा भाई, जैसे कि आपने क्या किया, आपने कोचिंग पढ़ना शुरू किया, ठीक है, ऐसे सोचा, आपने कोचिंग पढ़ना शुरू किया, आपको अच्छे टीचर मिले, उनको अच्छे से समझाया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया, आपने कहा अब लग रहा है इस बार तो मैं एलटी का टेस्ट निकाल ही लूंगी या निकाल ही लूंगा, तो ये क्या है, एक अभिवृत्ति बन गई है, आपने पहले सोचा अच्छा पढ़ा रही है, पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं,
ठीक है, हम अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, आप खुश हुए, आपने कहा मुझे समझ भी आ रहा है और आप खुश हो गए कि हाँ बढ़िया हो रहा है, ठीक है, वो भावों में आ गया। फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि मैम ने कहा है कि खूब मेहनत करनी है, पढ़ना है, रिविजन करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप क्वेश्चन लगाने लगे। तो ये कैसा एटीट्यूड आपका डेवलप हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो इधर डायग्राम में भी अभी दिखाएंगे, अब ऐसे ही बात करें, इसमें देखिएगा पॉजिटिव पीपल इसमें दिखा रखा, तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव पीपल जो होते हैं, पॉजिटिव लोग जो होते हैं, मैंने इधर बना दिया डायग्राम, सॉरी डायग्राम इधर आना था, तो ये देखिएगा ऑरेंज वाली डायग्राम में, तो पॉजिटिव पीपल लिखा है, ये नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव भी रहते हैं, सकारात्मक सोच इनकी रहती है, सकारात्मक सोच होगी तो इनके भाव भी सकारात्मक होंगे और भाव भी इनके जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, तो ये कार्य भी पॉजिटिव करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड की। तो क्या होता है, जब हमारा दृष्टिकोण किसी वस्तु घटना या विचार के लिए सुखद नहीं होता है तो हम उसे पसंद नहीं करते या उसके प्रति उत्तेजात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। जब किसी संस्था, जाति या व्यक्ति के प्रति हमारा मन अविश्वास व घृणा से भर जाता है तो इस प्रकार की अभिवृत्ति नकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। अभी मैंने उदाहरण दिया था कि देखो कभी क्या होता है, जैसे बेरोजगार जो है या जो भी है वो गए गवर्नमेंट के पास, उन्होंने कहा भाई रोजगार दीजिए हमें या जो भी इस तरीके से कहा, तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया था बीच में लाठीचार्ज हुआ था तो बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर, तो आपने देखा उसको, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो आपके माइंड में कैसा आया, नेगेटिविटी फैल गई, गवर्नमेंट में अच्छा नहीं किया, गलत किया, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, तो ये हमारा कॉग्निटिव हो गया, आपने एक वो बना ली कि उन्होंने कहा उस बच्चे को चोट लगी है या उन बच्चों को चोट लगी, तो आपके मन में आ गया कि एक नेगेटिव चीज है, नेगेटिव सेंस बन गया आपके मन में। अब क्या हुआ, आप लोगों ने प्रतिक्रिया दी फेसबुक में, मतलब प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, आपने फेसबुक में लिखना, आपने कंप्लेन किया, आपने मतलब जैसे लोग हाईकोर्ट में चल देते हैं, रिट लगा देते हैं, तो क्या हुआ, एक उससे क्या होगा, नेगेटिव उस गवर्नमेंट के प्रति आपकी क्या होगी, एक निगेटिविटी या निगेटिव अभिवृत्ति या नकारात्मक अभिवृत्ति वो होगी, तो आपके दिमाग में रहेगा नहीं ये गवर्नमेंट बेकार काम कर रही है बच्चों के खिलाफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव अभिवृत्ति। तो जनरल वे में आप समझिए, किसी चीज से हमें अच्छी चीज मिल रही तो हमारे हम उसको क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो वो तो सकारात्मक अभिवृत्ति होगी हमारे नेचर में, फिर वो झलकेगा, ठीक है। और नकारात्मक अभिवृत्ति क्या है, किसी किसी चीज का हमें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला है तो आपकी क्या होगा, एक निगेटिव अभिवृत्ति हो जाएगी। आपने कहा किसी व्यक्ति ने अगर आपको धोखा दे दिया, ठीक है, धोखा नहीं, ऐसे सोचिए आप ट्रेन में गए, आपको जहर कुरान ने किसी ने कुछ खिला दिया, ठीक है, आप बेहोश हो गया, आपका सामान लेके चला गया, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उस एक्सपीरियंस से आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं जाएंगे ना तो कितना ही अच्छा व्यक्ति हो गया आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कैसी अभिवृत्ति आपके अंदर डेवलप होगी, आप तो थे सबसे बोलने वाले लेकिन आपका नेचर उस कंडीशन से, वो जो आपके साथ गलत हुआ उससे क्या होगा, आप में एक नेगेटिव एटीट्यूड या फिर ऋणात्मक अभिवृत्ति डेवलप हो गई, तो वो है ऋणात्मक अभिवृत्ति। जैसे ये है, ये बच्ची आपको दिख रही है पर्पल वाली में, इधर वाली में देखें तो नेगेटिव पीपल क्या है, ये बदलना नहीं चाहती ये बच्ची, ठीक है, आंख बंद करके इसने रखा है, जो चल रहा है तो चल रहा है, ये बदलना नहीं चाहिए थी, तो ये क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड। अब हम बात करते हैं इस चित्र में, देखिए देखिए, ठीक है, इस चित्र में देखिए, ये पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, ये पेड़ों को काट रहे हैं, इसने देखा, ठीक है, मैंने कहा पेड़ काट देता हूं, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव चीज डेवलप हो रही है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये पेड़ों को बचा रहे, इस तरीके से सोचिए, पेड़ों को बचा रहे तो कहीं ना कहीं क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा, अच्छी चीज डेवलप हो रही, और ये पेड़ों को काटने में खुश है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव अभिवृत्ति इसकी डेवलप हो रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होना सबके अंदर होता है, मेरे अंदर क्रोध है तो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है मेरा, ठीक है, और अगर मैं खुश रहती हूँ, सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, पढ़ाई में ठीक हूँ, पॉजिटिव सोच रखती हूँ, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव या फिर सकारात्मक अभिवृत्ति, या तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, सॉरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति की प्रकृति के बारे में, कैसा नेचर होता है अभिवृत्ति का, ठीक है, एटीट्यूड के जो नेचर है, नेचर ऑफ एटीट्यूड, ये कैसा होता है अभिवृत्ति की प्रकृति। तो ये तीन टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है शून्य, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य। धनात्मक तो पढ़ ही लिया है, वही चीज तो है, बार बार रिपीट सेम चीज होनी है, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक और नेगेटिव। धनात्मक क्या है, इसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति, घटना, समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही धनात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति है। आप किसी चीज के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आपने कहा कि मैं बच्चों को मेहनत से पढ़ाऊंगी, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, सोचिए मैं कह रही हूँ बच्चे बहुत गरीब हैं या ये बच्चे क्या है जरूरतमंद है, इनके इनके लिए हमें इन्हें हमें दान करना चाहिए, हमें इन्हें पढ़ाना चाहिए, हमें इनके लिए करना चाहिए, जैसे वृद्धाश्रम में लोग जाते हैं दान करते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, वो उनकी क्या है धनात्मक प्रवृत्ति है। तो क्या हो गया, जो उसका नेचर होता है, नेचर अगर हम कहें एटीट्यूड किस किस
नेचर का होता है, तो एक तो पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज के लिए जब हम पॉजिटिव अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, दृष्टिकोण सकारात्मक रखते हैं, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ऋणात्मक की बात, ऋणात्मक देखिए बार बार वही आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में वही है। जब किसी घटना हमारे साथ घटना हुई, अभी मैंने बताया कि आपने जहर कुरान के आप पत्ते चढ़ गए, और क्या हुआ, आपके अंदर क्या हुआ, दृष्टिकोण डेवलप हो गया कि भाई किसी से भी बात नहीं करनी है, ऐसे ही लोग इसमें बैठे हैं। तो ये प्रकृति कैसी हो गई, ऋणात्मक प्रवृत्ति हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है। और यही बात करें शून्य की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, कोई सोची नहीं है, तो वो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, शून्य अभिवृत्ति। जैसे कि वही मैंने बोला, एक व्यक्ति है, वो ट्रेन में चढ़ा, वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी से छिड़ता है, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। तो उसके साथ कोई घटना हुई नहीं, तो ना तो वो पॉजिटिव रह रहा ना ही निगेटिव, कोई उसने सोच ही नहीं बनाई, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य अभिवृत्ति। शून्य अभिवृत्ति में कोई व्यक्ति का ऐसा ध्यान नहीं आ रहा कि मैं उसका उदाहरण दे सकूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड यहाँ दिख रहा है, देखिए इमोजीज, इसको देख के ही लग रहा है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, इसको देख के ही लग रहा है निगेटिव। निगेटिव किस सेंस में, कोई भी चीज जो हमारे अंदर निगेटिव है, उसको गुस्सा आ रहा है, धमका रहा है दूसरे को, देखो ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड। और तीसरा देखो, कोई मतलब नहीं है, ना वो खुश है, ना वो दुखी है, ना वो गुस्से में है, वो क्या है, नॉर्मल है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो अब हमारा हो गया, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो अभिवृत्ति का मुख्य जनक जो माना जाता है ना, वो माना जाता है ऑल पोर्ट को, ये याद रखिएगा, ये मैं शुरू में लिखाना आपको भूल गई थी। ऑल पोर्ट जो है, ऑल पोर्ट, उन्हें माना जाता है अभिवृत्ति का जनक, मतलब इन्होंने परिभाषाएं भी दी और मतलब काफी स्टडी की अभिवृत्ति के लिए, एटीट्यूड के लिए। तो आप ऑल पोर्ट याद रखिएगा, इनकी भी एक परिभाषा थी, वो मैंने मेंशन नहीं की, परिभाषाएं इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है कि आएंगी, एक दो आ सकती है, वो बुद्धि और उसमें जो हम आगे पढ़ेंगे अधिगम वाले हूँ उसमें आएंगी, ठीक है। तो अभिवृत्ति को जब मापना है किसी की, अभिवृत्ति मेरा एटीट्यूड कैसा है, सामने वाले का कैसा है, मेरे दोस्त का कैसा है, ठीक है, पेरेंट्स का कैसा है, तो उसके लिए कुछ विधियां डेवलप की थी शुरुआत से, ठीक है, दार्शनिकों ने। तो एक साइंटिस्ट थे लिंकर्ड, 1932 में इन्होंने योग निर्धारण विधि दी, ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं आपको, फिर ने, अगर इनकेस आपको चाहिए होगा कि हमें ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं वो भी बताऊंगी, बट इतना नीड नहीं है, मुझे लगता नहीं है, केवल ये टिक में आते हैं। सफीर है, 1937 में इन्होंने क्रमबद्ध अंतर विधि दी, ये सन याद करने की भी जरूरत नहीं है, केवल साइंटिस्ट और किसने विधि दी, विधि का नाम, स्केलोग्राम विधि गटमैन ने दी, एडवर्स और किलपैट्रिक ने भेद भेद बोधक मापनी विधि दी, और ऐसी बात करें थर्स्टन की, तो थर्स्टन ने युग्म तुलनात्मक प्रवृत्ति दी, ठीक है। अब ये तो मैंने पहले ही शो कर दिया था, अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर प्रॉपर तरीके से देखें, ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो अभिवृत्ति मापन की विधियां जो हैं वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। अभिवृत्ति को मापने के लिए जो विधियां हैं, जो भी दार्शनिक, उन्होंने दो भागों में बांटा, उन्होंने बोला एक तो क्या होगी, व्यवहारिक विधि होगी, एक मनोवैज्ञानिक विधि। तो देखिए व्यवहारिक विधियों की बात करें तो व्यवहारिक विधि में दो विधियां आती हैं, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि और प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि। प्रत्यक्ष प्रश्न विधि में कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति विशेष है, उससे डायरेक्ट क्या कहते हैं, प्रश्न करते हैं कुछ, ठीक है, किसी भी एक कोई टॉपिक है या उसकी परिस्थिति, कोई परिस्थिति उसे दे दी जाती है और उसे सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो उस प्रश्नों के आधार पर वो जो उत्तर देता है, उस उत्तरों के आधार पर मतलब आइडिया लगाया जाता है, ठीक है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसकी अभिवृत्ति कैसी है। इसके अलावा प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि, उसमें क्या किया जाता है, निरीक्षण विधि में कोई व्यक्ति विशेष है, उसके अभिवृत्तियों का अध्ययन करना है कि उसकी अभिवृत्ति कैसी है। तो उसके ना क्या होता है, जैसे ये तो पूरा उस पर, जैसे कहते हैं ना बॉडीगार्ड लगे रहते हैं किसी के पीछे, तो बॉडीगार्ड जो लगा होगा वो सब कुछ जानेगा उसके बारे में, ठीक। इसी प्रकार वो व्यक्ति विशेष जिसका भी अपने अभिवृत्ति जांचनी है, ठीक है, तो उसपे क्या होता है, उसपे आप क्या करोगे, निरीक्षण करोगे, वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, क्या खा रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, सारी चीजें, मतलब उस पर क्या रहेगा, आपका फोकस रहेगा, उसी को आप देखोगे, ठीक है, और तब आप निष्कर्ष निकालेंगे कि अभिवृत्ति कैसी है। तो ये तो व्यवहारिक विधियां हैं, जो प्रश्न पूछने से, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रश्न जब भी पूछते हैं, देखिए आपने देखो क्वेश्चनएयर बनके आती है आपसे करने के लिए, कहा जाता है भाई, बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो भी आपके पास आते हैं, तो आपने देखा होगा आप भरते हैं, तो क्या आप वही भरते हैं जो आपकी इच्छा कहती है, नहीं, आप क्या करते हैं, अच्छा अच्छा अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें भरते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रश्न विधि भी ठीक नहीं है, और प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। देखो प्रत्यक्ष निरीक्षण मतलब जो व्यक्ति को, जिसको आप देख रहे हैं ना, जिस पर आप उसके अभिवृत्ति का, जिसका अर्जन करना है कि अभिवृत्ति इसकी क्या होगी, तो उस पर उसको पता है कि ये मेरा निरीक्षण कर रहे हैं, तो वो भी तो आपके सामने एक अच्छा एटीट्यूड शो करेगा ना, अच्छी अभिवृत्ति प्रदर्शित करेगा अपनी सारी, एक पॉजिटिविटी दिखाएगा। तो ये विधियां भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है।
तो बात करें अगर मनोवैज्ञानिक प्रविधियों की, तो मनोवैज्ञानिक प्रविधियों में जो युग्म तुलनात्मक विधि है, ये आपको पता होना चाहिए किस साइंटिस्ट ने दी है, ये आ सकता है। तो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, थर्स्टन जो है उन्होंने युग्म तुलनात्मक विधि दी है। इनके बारे में डिटेल अगर आप चाहेंगे तो डिटेल भी बता दूंगी, बट डिटेल ऐसा पूछा नहीं जाता है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। थर्स्टन ने दी थी, ये ध्यान रखिए। समदृष्टि जो सिद्धांत है ये भी थर्स्टन ने दी थी और चैव ने दी थी, ठीक है। समदृष्टि अंतर विधि जो है थर्स्टन और चैव, CHEV, ऐसे क्रमबद्ध अंतर विधि, क्रमबद्ध अंतर विधि ये सफीर ने दी थी, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे योग निर्धारण विधि जो है, ठीक है, ये दी थी लिंकर्ट ने। किसने दी थी? शुरुआत में मैंने बताया था लिंकर्ट ने। ऐसे भेद बोधक मापनी विधि, ठीक है, भेद बोधक मापनी विधि एडवर्ड्स और किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक बहुत फेमस भी हैं, आपको पता है। स्केलोग्राम जो दी थी विधि, ये गटमैन ने दी थी। सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि, ये विधि जो है ओसगुड ने दी थी। मास्टर टाइप मापनी विधि, जिन्होंने उसके बारे में, ये वो दार्शनिक थे जिन्होंने एक परिभाषा भी दी थी शुरू में, बताया था आर से रेमर्स ने। तो ये आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो ज्यादा ऑथेंटिक विधियां होती हैं वो मनोवैज्ञानिक विधियों को ही ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। व्यवहारिक विधियां वैसे भी फेल हो गई है, मैंने बताया आपको, ठीक है, इतनी एक्यूरेसी नहीं देती हैं। चलिए अब लास्ट हमारा टॉपिक इसमें बचा, अब वीडियो का लास्ट टॉपिक की बात करें, अभिवृत्ति निर्माण। तो किस प्रकार अभिवृत्ति का निर्माण किया जा सकता है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो ट्रेन में गया, हमेशा जाता था, ठीक था, पॉजिटिव एटीट्यूड उसका था, लेकिन क्या हुआ, किसी व्यक्ति द्वारा उसको धोखा दे दिया गया, जैसे जहर कुरान होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से उसकी क्या अभिवृत्ति निर्मित हो गई, उसने कहा अब मुझे सजग रहना है, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी, कोई चीज नहीं लेनी, बात भी नहीं करनी, खाना भी नहीं है। तो अभिवृत्ति का निर्माण हुआ, वो कंडीशन से भी सीखा, परिस्थितियों से सीखा, जो उसके साथ घटनाएं घटित हुई उसके साथ सीखा, ठीक है। तो सामान्यतः अभिवृत्तियां स्वयं के अनुभव, वही बताया ना, अनुभव उसके साथ हुआ, तथा दूसरों से अंतरक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। दूसरों के साथ अंतरक्रिया का मतलब होता है आपने दूसरे को देखा, आपने कहा भाई उसमें स्पेसिफिक चीज ही अच्छी है, मैं भी उस चीज को डेवलप करूंगा, वो पढ़ने में इतना अच्छा है या वो डांस में इतना अच्छा है, वो भी मैं उस चीज को भी मैं डेवलप करूंगा। तो वो अभिवृत्ति ही है, या तो हम स्वयं के अनुभवों से सीखते हैं या दूसरों के साथ जब हम अंतरक्रिया करते हैं तो सीखते हैं। कुछ थोड़े से शोध अध्ययन है जो अभिवृत्तियों के कुछ सहज पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, परंतु अधिगम के साथ साथ ऐसे आनुवंशिक कारक अभिवृत्तियों को मात्रा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये कह रहे कुछ आनुवंशिक कारक भी होते हैं जो हमारे अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए अधिकांश समाज मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी दशाओं पर ध्यान दिया है जो अभिवृत्ति के अधिगम को प्रेरित करती है, ठीक है। अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे आनुवंशिक कारक है ये भी हमारी अभिवृत्तियों को मतलब अभिवृत्तियों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रियाएं और दशाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि अभिवृत्ति निर्माण जब होता है उसकी प्रक्रिया जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। अगर हमारे अंदर कोई अभिवृत्ति निर्मित हो रही है तो वो है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, दशाओं के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में विविध प्रकार की अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, ठीक है। दो जुड़वा बच्चे थे, एक उदाहरण होता है जब हम BEd में भी पढ़ते थे, बताते थे, दो जुड़वा बच्चे हैं, सारी चीजें एक से दिखने में एक से सब कुछ, एक बच्चे का पालन पोषण अच्छे घर में हुआ और एक बच्चे का पालन पोषण एकदम बिल्कुल गरीब घर में, और मतलब बहुत दिक्कत वाले घर में हुआ, तो दोनों की जो अभिवृत्तियां होंगी वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो परिस्थिति के कारण भी क्या होता है, अभिवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक बच्चा है कोई, ठीक है, अनुवांशिक होता है ये भी मैंने बोला है, ठीक है, जैसे बच्चे के अंदर, जैसे बच्चा है, ठीक है, बहुत गरीब तबके का बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ डिसेबिलिटी आ गई, तो उसका जो अभिवृत्ति होगी हमारी अभिवृत्ति होगी, दोनों में अंतर होगा ना, तो वही है अभिवृत्ति, वो उसकी जो अनुवांशिक कारक है उनकी वजह से भी हो सकता है। तो जैसे दिव्यांग बच्चों का मैं उदाहरण दे रही हूँ, तो क्या है अभिवृत्ति का जो निर्माण है वो किस किस तरीके से होता है, तो वो मैं बता रही हूँ अभिवृत्ति के निर्माण कैसे कैसे हो सकता है। एक तो साहचर्य के द्वारा अभिवृत्तियों का निर्माण, सहचर्य मतलब हमारे आसपास या हमारे साथ जो है उसको देख के भी हमारी अभिवृत्तियों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे क्या है, मैं जब पहले पढ़ती थी तो मैंने किसी टीचर से, हमारी केमिस्ट्री की टीचर है, उनसे सीखा पढ़ना, वो कैसे पढ़ाती थी, मैं बड़ा मतलब ना आकर्षित रहती थी कि सर देखिए कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा, सबको समझ में आ रहा, उनका तरीका, और वो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि कॉपी किया है, ठीक है, और बिल्कुल अपने गुरु को कॉपी करना भी चाहिए, ठीक है। तो उनका पढ़ाने का तरीका और बच्चों पर फोकस करना कि बच्चों को सब कुछ समझ में आए, तो बच्चे क्या होते हैं उनसे इंप्रेस हो जाते हैं, और जब वो कुछ भी पढ़ाए तो रुचि लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिविटी डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने भी उन गुरु से सीखा, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये जो तरीका है जो मैंने उनसे सीखा, अपने अंदर पढ़ाने की जो पढ़ाने का तरीका है वो मैंने गुरुजी से सीखा, तो ये क्या कहलाएगा, साहचर्य के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम। मैंने सीख लिया उस चीज को किस तरीके से पढ़ाने है, वो मैंने अपने गुरुजी से सीखा, तो यही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है पुरस्कार या दंड तथा प्रतिरूपण के माध्यम से अधिगम, अभी बताया पुरस्कार, अब देखिए क्या हुआ,
एक कोई बीएड के टाइम की बात है, कोई मेरे साथ पढ़ती थी, बड़ी थी, ठीक है। एक बार क्या हुआ, वो बड़ा डरती थी आगे बोलने में, तो एक बार मैंने बहुत उनको फोर्स किया, मैंने कहा दीदी आप कर लोगे, थोड़ी बहुत उनको हेल्प भी करी, तो उन्होंने काफी अच्छा बोला, ठीक है, ठीक बोला, फर्स्ट टाइम बोल रही थी तो काफी अच्छा बोला, उनको प्राइज भी मिला। तो वो जो प्राइज उनको मिला वो और सभी ने शाबाशी दी, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए क्या एक इंसेंटिव था, एक पुरस्कार था। तो उन्होंने क्या, उसके बाद से लगातार बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा बोलती है कहा, तो लगातार उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, अब वो बोलने से डरती नहीं है, मतलब जब बोलना होता है, एंकरिंग करनी होती है, तो बोलने से डरती नहीं है। तो ये भी क्या है, एक अभिवृत्ति डेवलप हो गई पुरस्कार या दंड से। अब जैसे कि मैंने कहा वो बच्चे का हाथ जल गया, तो उसके क्या एक दंड उसे मिला, तो उस दंड से भी उसने क्या सीखा कि एक नेगेटिव जो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, डेवलप होगी कि वहां पर मुझे नहीं जाना है। नेक्स्ट, इसके अलावा सूचना के प्रभाव से अधिगम, मैंने अभी बोला था कि दूर संचार के माध्यम है, जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर का एग्जांपल लिया था, आप न्यूज़पेपर को देखते हैं अक्सर या टीवी में देखते हैं, कुछ खबरें आती हैं, आप बोलते हैं, देखिए क्या होता है, पार्टीज जो है उसके प्रति भी आपकी क्या है, सोच बदलती जाती है। न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, मणिपुर में घटना हुई थी, तो एक एक सोच आपकी, एक वो डेवलप हो गया अंदर से कि वो जो सूचना मिली उससे क्या होगा, उससे भी एक अभिवृत्ति होगी कि हाँ ये ठीक नहीं है, या बाहर जाना ठीक नहीं है, या अकेले घूमना ठीक नहीं है। तो ये क्या है, अभिवृत्ति का निर्माण करती है, ठीक है। और हमारा पूरा सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं अभिवृत्ति से प्रभावित होती है, सूचना से। अब लास्ट टॉपिक हमारा है अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अभिवृत्ति निर्माण को, जो हमारी अभिवृत्ति निर्मित हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव निर्मित हो रही हो या नेगेटिव निर्मित हो रही थी, उसको प्रभावित करते हैं। तो एक है परिवार व विद्यालय का परिवेश, ठीक है। परिवार का परिवेश मैंने आपसे कहा है कि अभिवृत्ति किस प्रकार निर्मित हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ये परिवार पर भी निर्भर करता है। एक जगह आपका शांति भरा माहौल है तो बच्चा सारी चीजें अच्छी सीखता है, अच्छी अभिवृत्तियों का निर्माण करता है। एक जगह वही परिवार है, वहाँ कलेश हो रहा है, हल्ला हो रहा है, गुल्ला, ठीक है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, खाने को नहीं हो रहा है सफिशियंट, तो उससे भी डेवलप होता है। इसके अलावा विद्यालय में जो आपका परिवेश है, टीचर्स हैं, बच्चे आपके साथ के हैं, उनका कैसा एटीट्यूड है, उनकी अभिवृत्ति कैसे, उनका नेचर कैसा है, उससे कहीं ना कहीं बच्चा अफेक्ट होता है, उसके अंदर भी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे अक्सर बच्चों में देखा होगा उनमें कंपटीशन की भावना रहती है कि वो फर्स्ट आए तो मैं भी, तो कहीं ना कहीं वो मतलब क्या होता है, ये कारक ऐसे हैं जैसे विद्यालय वो अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करता है, वो पॉजिटिव अभिवृत्ति भी बना सकता है बच्चे के अंदर, नेगेटिव भी। इसके अलावा संदर्भ समूह, कोई हमारा आइडियल है, ठीक है, किसी को हम आदर्श मान रहे हैं, तो उससे भी हमें इफेक्ट पड़ता है, तो उससे भी अभिवृत्ति निर्मित होती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है अच्छी चीजों की ओर चले जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव। संदर्भ समूह जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि दो मतलब गलत संगति में पड़ गया बोलते हैं, तो वो गलत अभिवृत्ति का निर्माण, नेगेटिव अभिवृत्ति का निर्माण हो गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे चारों ओर जो हमारे दोस्त हैं या ये सब हैं, वो संदर्भ समूह आएंगे। व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ, कुछ वाक्य आपके साथ ऐसे रहे होंगे जो अच्छे रहेंगे, सुखद रहेंगे, उससे अच्छी चीज आपके अंदर अभिवृत्ति अर्जित हो गई, अभिवृत्ति डेवलप हो गई, आपने कहा ये बढ़िया है, ऐसा मैं भी करूंगी। ऐसे ही व्यक्तिगत अनुभव में नेगेटिव भी हो सकता है, आपके साथ कोई घटना ऐसी होगी जिससे आपको झकझोर दिया हो, तो कहीं ना कहीं वो उससे क्या होगा, एक नेगेटिव अभिवृत्ति भी आपके अंदर डेवलप हो सकती है। संचार माध्यम मैंने अभी बता दी, न्यूज पेपर, ये इन माध्यमों से, सोशल मीडिया, उससे जो भी आपकी एक सोच डेवलप हो रही है, आपके अंदर जो भी एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, वो हमारा आ जाएगा संचार माध्यम संबंध प्रभाव में, ठीक है। तो ये हमारा था अभिवृत्ति के बारे में। तो अभिवृत्ति के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया, एक एक चीज मैंने अच्छे से डिस्कस कर ली है, और आप लोगों को भी ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये हमारा पार्ट वन था, ठीक है। ये है हमारा शिक्षकों में छात्रों के प्रति शैक्षिक अभिवृत्ति है, ठीक है, कि शिक्षक के बारे में पढ़ लिया, छात्र के बारे में पढ़ लिया, अभिवृत्ति के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि शिक्षक छात्रों से किस प्रकार व्यवहार करता है, ठीक है, और कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये उसके बाद जो पार्ट टू वीडियो आएगी, ठीक है, इसी की, इस चैप्टर की, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पहला ये चैप्टर हमारा है, शिक्षकों में छात्रों के प्रति शैक्षिक अभिवृत्ति, इसका जो पार्ट टू आएगा उसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप लोग उससे, मैंने पहले ही कहा था, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको जो 25 चैप्टर्स हैं, 25 के 25 चैप्टर्स पर वीडियो अगर कंप्लीटली चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, सभी को आप वीडियो शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें, फेसबुक पेज में, आप जो भी आपके फेसबुक उसमें होंगे, सभी आप बड़े बच्चे तो नहीं है, आप बड़े ही हैं, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।